अगर मैं आपको एक चॉइस दूं एक वीडियो गेम खेलने की आधे घंटे के लिए और पढ़ाई करने के लिए 4 घंटे के लिए, तो आप क्या चूज़ करेंगे? या अगर मैं आपको एक दूसरी चॉइस दूं आपके फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देखने के लिए और 1 घंटे के लिए मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहूं, तो आपको पता होने के बावजूद क्या ठीक है क्या गलत है? हम अक्सर लोग सही चॉइस नहीं ले पाते। आपको पता है कि वीडियो गेम्स खेलना, पढ़ना और एक्सरसाइज करना कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है और कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में एक केमिकल की गलती है जिसका नाम है डोपामाइन। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 24 घंटे के अंदर आप कैसे इस डोपामाइन केमिकल को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे और इतना ज़्यादा फोकस कर पाएंगे कि हार्ड वर्क आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आप मुश्किल चीज़ें किस तरह से आसान कर पाएंगे, उससे पहले मुझे आपको छोटे से मॉलिक्यूल के बारे में समझाना है जिसका नाम है डोपामाइन। क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपकी पूरी ज़िंदगी अभी तक कंट्रोल करता रहा है और शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तो डोपामाइन क्या है और ये कैसे काम करता है? आप जब किसी शराबी या किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं तो काफ़ी उसके एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होते, और हम सब देखकर ये सोच रहे होते हैं कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में क्यों लगा है। अब उनका जो रीज़न है शराब पीने का या नशा ना छोड़ने का, और आपका जो रीज़न है पढ़ाई ना करने का, फोकस ना करने का और टाइम वेस्ट करने का, वो दोनों सेम है, और उस रीज़न का नाम है डोपामाइन। ये हम सब की बॉडी में होता है और ये एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग को बहुत अच्छी फीलिंग देता है, जो दिमाग को बहुत प्लेयर फील करवाता है। इसी की वजह से हमारी लाइफ में फोकस नहीं आता, हम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं और आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ पाते हैं। जब आप एक वीडियो गेम खेलते हैं और जीत जाते हैं या बहुत मज़े का कुछ खाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करते हैं। अब मैं आपको मज़ीद बोर नहीं करूँगा मज़ीद डोपामाइन की साइंस समझाकर। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है और वो ये है कि आपकी सारी एडिक्शंस के पीछे डोपामाइन है। आजकल के ज़माने में जितनी भी कंपनीज हैं वो हज़ारों टेस्ट करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, सिर्फ इसी वजह से कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आदत बना सकें लोगों की। गेम्स और वीडियो गेम्स को सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है, उनकी इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करें। इवन के चिप्स जो हम घरों में खाते हैं उन पे भी हज़ारों टेस्ट किए जाते हैं, और उन पे रेसिपीज़ जो हैं वो बार बार उन पे की जाती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करें। अब डोपामाइन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलने में या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको अच्छी लगती हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। और प्रोडक्टिव काम में अगर आपको डोपामाइन मिलने लगे तो आप यकीन कीजिए कि आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। अब आपको मैं बताता हूं कि डोपामाइन फास्ट किसे कहते हैं। इसका ये मतलब है कि आप कुछ टाइम के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते जिससे ये केमिकल रिलीज हो, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ों में सोशल मीडिया, पॉर्न, वीडियो गेम्स या टीवी शोज़ आते हैं जो सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करते हैं। मान लें कि आप एक 24 घंटे के दौरान कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते और आपका जिससे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ हो, आप ख़ुद को कंडीशन कर सकते हैं, यानी आपको ख़ुद को क्या अलाउ करना है और क्या अलाउ नहीं करना। लेकिन इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सोना, मेडिटेट करना, वॉक करना, पानी पीना और सादा खाना खाना, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो इनके बदले में आपको डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए कम मिलेगा। और जो चीज़ें डोपामाइन ज़्यादा रिलीज़ करती हैं आप उन चीज़ों को कम कर दें। अब आपको पहले से बता दूं कि आप शुरू में ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा बोर होंगे, क्योंकि आपका फ्रेम रेफरेंस इसमें बदलने वाला है। जब आप एक दिन ऐसा कर लेंगे तो आपको नॉर्मल काम करने में भी सब कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, और अगर आप इसको फ्लो के साथ लेके जाएंगे तो ये इफ़ेक्ट अनस्टॉपेबल हो जाएगा। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले बता दूं कि अगली बात इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को
आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो लोग डोपामिन की वीडियोस को देखकर समझ तो लेते हैं और एक दिन शायद वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वापस फिर अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं। और मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो को देखकर आप इस तरह से समझें कि आपको ज़िंदगी भर का फ़ायदा हासिल हो। अब मैं आपको आपके दिमाग के बारे में एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। आपको पता है कि आपके दिमाग को डोपामिन जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको पता है कि क्या करने से ये केमिकल ज़्यादा मिलता है, रिलीज़ होता है, इसीलिए वो बार बार आपसे वो चीज़ें करवाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि आपका दिमाग एक ऐसे रोड के ऊपर है जिसमें आपको 4 घंटे की पढ़ाई करनी है और उसके आखिर में शायद आपको थोड़ा सा डोपामिन भी मिल जाए, लेकिन उसी के साथ एक ऐसा शॉर्टकट है जो वीडियो गेम के नाम से है, वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डोपामिन मिल सकता है क्योंकि वो शॉर्टकट है। यहाँ पे अब एक रूल आता है जिसको कहते हैं एक्टिव पैसिव रूल, जो आपको बहुत मदद करेगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक्टिव जोन में होने चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि आप कोई भी हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब आप उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक्टिव जोन 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, 3 घंटे के लिए भी हो सकता है, या 4 घंटे के लिए भी हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद आप पैसिव एक्टिव जोन में चले जाएंगे, यानी उस टाइम में आप कुछ डोपामिन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि YouTube, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जिससे आप खुद को अलाउ करेंगे कि अब तुम ये काम कर सकते हो। बेसिकली आप एक रूल बना रहे हैं कि आप कोई भी डोपामिन एक्टिविटी नहीं करेंगे जब तक आप अपना काम ख़त्म ना कर लें। और इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि अपनी लाइफ में उन चीज़ों को हिस्सा नहीं बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करते हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में कभी भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे और इसको समझेंगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको लग रहा है, और बस थोड़ा सा आपको बोर होना और बोरियत को झेलना पड़ेगा और इसके बाद